चल गया ना कि सपना ही है। हाँ, लेकिन इंडिया जीत रहा था उसमें, कम से कम 36 बनवा रहा था, इन्होंने जीरो ऑल आउट। पर शोएब भाई, ये जो टॉस है, टॉस के बारे में बात हो रही है कि टॉस थोड़ा सा अनलकी जा रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि पैट कमिंस भी अगर टॉस जीत जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहेगा, ये आपसे जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आपने पूरी परफॉर्मेंस देखी है, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत के 2 मैच इनके ठीक नहीं गिरे, पूरी लगातार 8 मैच जो है ये जीत कर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनकी बॉलिंग है वो भी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, और उसके अलावा बैटिंग भी, जो टॉप के 6-7 विकेट हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी जल्दी खो दिए थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ छोटा सा स्कोर चेज कर रहे थे, उसमें भी 60 रन 6 ओवर में ही आ गए थे, पर फिर भी वहां पर फॉल्टर कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से इस फाइनल को अप्रोच करना चाहेगा, बैटिंग फर्स्ट या बॉलिंग फर्स्ट? यार काश मेरे पास तोता होता, मैं तुम्हें बता देता क्या करना चाहता हूं। तोता नहीं मिल रहा मुझे भाई, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लेकिन मेरा तज़िया ये है, मेरा दावा नहीं, तज़िया है, मेरा ख्याल है दे आर लुकिंग टू बैट फर्स्ट। जी, आई मीन इन जनरल, अगर ड्यू फैक्टर है, जैसे आकाश कह रहा है, अभी कपिल भाई भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, अगर ड्यू फैक्टर है तो इस कमजोर बॉलिंग के साथ दूसरी बॉलिंग नहीं करेंगे शाम को, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ड्यू फैक्टर है और उनके पास 7 बैट्समैन हैं जिसमें से 2 चाहिए जो रन कर जाए, जो भी 100-100 की पार्टनरशिप कर जाए, ये 70 की पार्टनरशिप, 150 की पार्टनरशिप करके, तो मैच खत्म, तो वो कभी ऑस्ट्रेलिया चांस नहीं लेगा। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन। आकाश की खबरें अक्सर औकात ठीक होती हैं, और अगर इंडिया इफ इज टू बॉल फर्स्ट देन आप ही समझ जाए भाईजान, खतरनाक बात है, खतरनाक बात है, इसलिए खतरनाक बात है कि देखिए कंडीशन भी पार्ट प्ले करती हैं और मैसिवली करती हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत 1-2 इंच का मार्जिन रह जाता है ना, तो वो कंडीशन आपके साथ बराबर कर देंगी, और अगर यही ऑस्ट्रेलिया टीम अगर कंडीशन प्लस के साथ खेलती है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज ये मेंटली ये गोरों में पठान है, इनके एटीट्यूड बहुत अच्छे हैं। अगर इन्होंने हमला कर दिया आप पे और अगर ये पागल हो गए, तो भाईजान देखें इसका कोई इलाज नहीं है, मैग्लैन मैक्सवेल का क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं, क्या करोगे आप? सो आई थिंक इट इज गोना बी वेरी क्रूशियल, लेट्स सी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये दोनों कप्तान करते क्या, ये दोनों कप्तान को एग्जैक्ट पता है करना क्या है, टॉस जीतेंगे तो हम ये करेंगे, अगर टॉस हारे तो हमें ये करना पड़ेगा, प्लान सारे तैयार हैं, सेट हैं, 2 दिन से सोए तो होंगे, पर लेकिन वो सोना भी क्या सोना होता है यार, आंखें बंद करके ड्रामे कर रहे होते हैं, आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं भी रात से ड्रामे ही कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। अब फाइनल किसी का अगर सोचे पाकिस्तान इंडिया होता यार, कमाल होगी थी ना यार, कसम से यार, बड़ा दिल था मेरा कि अहमदाबाद होता तो मैं जरूर चल गया था इस फाइनल को देखने में, लेकिन इतिहास का, मेरे ख्याल में तारीख का ये बहुत बड़ा मैच है जिसको बड़ा केयरफुली प्लान किया हुआ है दोनों टीमों ने। ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग टू, आई थिंक आई विल गो विद आकाश, आई विल बोल फर्स्ट। बिल्कुल, अच्छा शोएब भाई, मेरा दिल कह रहा है आप जो आकाश की बातों से, मैं जो अक्स कर रहा हूँ ना, अक्स मतलब इरशाद ही, अक्स करना मतलब कयास करना, कयास मतलब गेसिंग करना, वो तो भी सीख लो रही प्रोग्राम में, तो जो कयास राइयां हैं इसमें ये है कि आई थिंक आप आकाश भाई के साथ ना पंगा मत लो, इनकी बात सुन लिया करो, क्योंकि इनके पास ना ये पास जो कबूतर है ना, ये चिड़िया रखी हुई है जो उड़ाते रहते हैं और ये पता कराते रहते यार इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हालांकि गेला बेशक कम टेस्ट मैच है, लेकिन ये 100 टेस्ट मैच का तजर्बा रखता है, मैं आपको बताऊं काश का, तो इसके पास जो खबरें हैं ना ये पूरी है, मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुझे अब शक पड़ रहा है, शुरू हो गया कि अहमदाबाद में विकेट इन्होंने बना दी है, ये वाली इशारा दिखा दो। बिल्कुल, तो आकाश भाई आपके पास तोता है वो वाला ऑस्ट्रेलिया क्या करने वाला अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो? सी ऑस्ट्रेलिया पॉसिबिलिटी है कि उनका जो बेस्ट चांस जीतने का जो लगता है मुझे, वो है कि पहले बैटिंग कर लो। ऑस्ट्रेलिया चेज करते हुए मैच जीत नहीं पाएगा, मैं आप ये चांस नहीं है कि जीत पाएगा उनके पास, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बैटिंग नहीं चलेगी इनकी, बैटिंग में जितने हैं वो ना लप्पेबाज कहते हैं जिसको, अगर बिल्कुल हमारे रस्टिक टर्म में कहें लप्पेबाज हैं, कि अब लप्पेबाज जो होते हैं वो दबाव में नहीं खेलते अच्छा, वो पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खेलते हैं, क्योंकि चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो,
ग्लेन मैक्सवेल ने एक पारी खेल गए हैं, पर वो ठीक है एक पारी थी वो भारत के खिलाफ, वैसा वर्ल्ड कप फाइनल लप्पे के इतनी आराम से लग जाएंगे, नहीं लगेंगे यार. सो ऑस्ट्रेलिया मे वांट टू बैट फर्स्ट, इंडिया मे वांट टू बोल फर्स्ट. हो सकता है दोनों टीमों को जो चाहिए वो मिल जाए, टॉस इररिलेवेंट हो जाए, ये भी हो सकता है. पर मैच में इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम वो टीम नहीं है जो हुआ करती थी. और भारत जो है वो कह रही है पांच उंगली मिलाओ मुट्ठी बनाओ, फिर वो भारत मुट्ठी पे फोकस कर रहा है. वो एक दो मतलब सोचो तो सही यार, आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो वन ऑफ द बेस्ट एवर है, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की सूची में है, और उसके बावजूद आप उसकी तरफ अकेले नहीं देखते हो कभी भी. अब आप कहते हो ठीक है विराट है ना, वेरी गुड यार विराट है हमारे पास, पर ना हमारे पास रोहित भी है, पर हमारे पास ना बोली में बुमराह और शामी भी है, और नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये अलग कॉन्फिडेंस है, किलर कॉन्फिडेंस है. तो मैं तो भारतीय टीम को वो मुट्ठी की तरह देख रहा हूँ, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तरीके से मैं ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ. मिलकर मुट्ठी नहीं बना सकते, उनके पास वो ना बैटिंग है ना उनके पास गेंदबाजी. गेंदबाजी तो एक्चुअली बहुत ही कम है, मैक्सवेल के 10 ओवर है यार. बिल्कुल मैक्सी के 10 ओवर मतलब बनाने चाहिए. बिल्कुल.